MDI स्कूल मिल्कीपुर यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम आप लोगों को क्लास 10 के जो गणित का सिलेबस पार्ट 1 वीडियो में बता दिया था और पार्ट 2 वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ चर्चा किया था। आज हम वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है उसका पार्ट 3 यानी अब आज हम आपको वास्तविक संख्याओं में तीसरी वीडियो आप लोगों को मिलने जा रही है। बच्चों यदि हम आपको बता दें कि आज हम वास्तविक संख्या जो क्लास 10 में चैप्टर रखा गया है आज मैं जो पढ़ा दूंगा उससे एक नंबर आपका एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में एकदम फिक्स हो जाएगा, कटेगा नहीं नंबर। पढ़ाएंगे कि आज सिर्फ पढ़ाएंगे कि यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम के द्वारा मासापा कैसे निकालते हैं। मासापा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक। और एलसीएम आप लोग पढ़े होंगे जिसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो हम लोग दो संख्याओं के बीच मासा निकालना सीखेंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि दो धन पूर्णांकों को यानी दो धन पूर्णांक संख्याएं दी हों तो उनका मासा कैसे निकालेंगे, ठीक। बच्चों निकालना किससे है ये बात आपको कन्फर्म रहो कि यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम के प्रयोग के द्वारा हम दो संख्याओं का मासापा निकालेंगे। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा बोर्ड परीक्षा में आता है, 2019 में भी आया हुआ था, 2020 में भी आया, अब 2021 में जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक मासापा का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलते हैं, पहले इनके कुछ हम नियम समझ लेते हैं। नियम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर नियम आप समझ लेंगे तो आपको जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान लगेगे। चलें चलते हैं। तो सबसे पहले एक सूत्र हम जानते हैं, सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी सूत्र आपका है a बराबर पी क्यू गुणे में है और प्लस हो जाएगा बच्चों क्या आर। अब देखो बच्चों यहाँ इस सूत्र का हम पहले विस्तार समझ लेते हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बच्चों ए को हम लोग कहते हैं भाज्य, ए को क्या कहते हैं भाज्य, ठीक। बी को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे भाजक, बी को क्या कहेंगे भाजक। और बच्चों क्यू को क्या कहेंगे भागफल, क्यू क्या कहेंगे भागफल। बच्चों आर को क्या कहेंगे शेषफल, आर को क्या कहेंगे बच्चों शेषफल। तो यह सूत्र आपको समझना जरूरी था, यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम के द्वारा मासापा कैसे निकलेगा उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए को हम कहते हैं भाज्य, बी को कहते हैं भाजक, क्यू को कहते हैं भागफल, आर कहते हैं शेषफल। हिंदी में अगर सूत्र लिखना चाहें तो सूत्र होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस बच्चों हो जाता है क्या शेषफल, ठीक। ये आपको याद है, ठीक। यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम के द्वारा मासापा निकालने का सूत्र है। मैंने आपको सूत्र पूरा निकाल कर बताया कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए हो गया भाज्य, b हो गया भाजक, q हो गया भागफल, r हो गया शेषफल। हिंदी में लिखना चाहो तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। अब हम क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे लगता है इस पर, ठीक। देखो भाई यूक्लिड विभाजन से हम लोग मासापा निकालेंगे, ठीक। देखिए कैसे निकलेगा, दो संख्या लेते हैं, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया 135 और 225, 135 और 225 का HCF का मतलब होता है बच्चों महत्तम समापवर्तक। HCF 135 और 225 का HCF किससे, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम के अनुसार। ठीक, अब हम आशा पा यहां निकालेंगे, किसके अनुसार निकालेंगे आप लोगों को पता चल गया होगा कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। ठीक, अब एक बच्चों यहां बात आपको ध्यान देने वाली बात है, दो संख्याओं में जो सबसे बड़ा होगा, हमेशा रखो दो संख्याओं में जो सबसे बड़ा होगा वही ए होगा, ए का मतलब वही भाज्य होगा। तो ए बराबर संख्या होगी कितना 225, और जो सबसे छोटा होगा बच्चों वही होगा बी, बी बराबर हो जाएगा 135। तो पहले ये बात एकदम कंफर्म कर लो, ए क्या है भाज्य, ठीक, बी क्या है भाजक, क्यू क्या है भागफल, आर क्या है शेषफल। आगे बच्चों देखो, आगे बात ये समझने वाला, दो संख्याएं दी हूं, जब दो संख्याएं दी हो तो जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको क्या मानोगे, ए मानोगे, ए मानोगे, और जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको बी। सूत्र में रखेंगे, ए बराबर सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर, ए के स्थान पर कितना रखेंगे बच्चों 225, बराबर बी के स्थान पर 135। बच्चों अब आप क्यू को जानते हैं, क्यू को कहते हैं भागफल, भागफल का मतलब हो कितनी बार पहाड़ा पढ़े, 135 को कितनी बार पहाड़ा पढ़े कि 225 से ज्यादा ना हो। हमेशा पहले बात कंफर्म कर लो, दो वैल्यू आपको दिए हो या दो मान या दो धन पूर्णांक, दो संख्या कोई भी दिया हो, जो सबसे बड़ा हो वही ए मानो, जो सबसे छोटा हो उसे बी मानो, और सूत्र आप लिख दीजिए, क्योंकि आपको पूछ रहा है यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ का मतलब मासा। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो सबसे बड़ा है वही ए है, ए बराबर 225, बी बराबर 135, क्यू का मान कैसे निकलता है। अब यहाँ बी के स्थान पर जो संख्या रहती है, हम सोचते हैं कि कितनी बार पहाड़ा पढ़े 135 का कि 225 से ज्यादा ना हो, आप लोगों का जवाब आता है सर एक बार पढ़ो, 135 को पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो 225 में से 135 जाता है तो शेष बचता है 90, जो शेष बचता है वही होता है बच्चों क्या, शेष फल। अब कैसे आप समझ रहे होंगे, जैसे इस प्रकार देखना चाहो देख लो, बताओ 135 है और यहाँ है 225, अब बताओ आपको ऐसे भाग देना, ऐसे ही तो भाग देना वही नियम है, लेकिन अब यहाँ इक्विलिट का नियम के लगाकर चलना है, मैं भाग ही पढ़ा रहा हूँ कि भाग से मासा कैसे निकलता है, लेकिन यहाँ नियम से चलना क्योंकि इसी अनुसार बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चन हमेशा आता है। तो 135 का पहाड़ा एक बार जब पढ़ोगे तो एक क्या है भागफल आ गया, अब यहाँ 135 आ जाएगा, घटाओगे तो कितना आएगा 90, जो यहाँ बचता है वही क्या है शेषफल। लेकिन याद रहे यूक्लिड विभाजन से मासा पा निकालने का नियम यही है, ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक शेषफल शून्य ना हो, जब तक कि शेषफल शून्य ना हो। चलिए अब 225 था 135 90, याद रहे अब यहाँ जो रहता है भाजक क्रम में वो फिर आगे चलाता है, 135 हो जाएगा ये चलाएगा और शेष चलाता है इसके स्थान पे यहाँ 90। अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे 135 से ज्यादा ना हो, एक बार पढ़ेंगे तो 90 के 90, 135 में से 90 घटाएंगे शेष बचेगा कितना 45, अभी शेष पर जीरो नहीं आया हमारा 45 आया है, अब 90 को यहाँ लाओ, 90 यहाँ लाएंगे तो यहाँ कौन आ जाएगा 45, अब बताओ कितनी बार पहाड़ा पढ़े तो 45 गुना 90, और जब 90 कट जाएगा घट जाएगा शेष क्या आएगा जीरो, तो जब शेष फल जीरो आ जाए तो जो यहाँ भाजक में बचता है वही आपका क्या है आंसर, तो क्या एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आया 45, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया, इसको चाहो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है, हम आपको एक दो क्वेश्चन से और अभ्यास कराते हैं, ठीक, कि कैसे निकलता है, आज इसी पे चर्चा करेंगे और सबको यूक्लिड विभाजन से मासा पा निकालना आना चाहिए एकदम बात कंफर्म कर लीजिए। चलिए 70 और 40 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से
अब अभी 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 हमने आपको ये क्वेश्चन नंबर दो है, ठीक, अभी अभी हमने आपको निकालना सिखाया है मासा। तो हमने बताया जब दो संख्याएं दी हो तो सबसे बड़ी संख्या को क्या मानो, ए। ए बराबर कितना आ गया, लो भैया 70 आ गया। सबसे छोटा कौन सा है, 40, तो बी बराबर 40। सूत्र हमारा क्या कहता है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना होगा, तो यहाँ पर 70 हो जाएगा, बी का मान कितना है तो 40 हो जाएगा। अब आपको पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 70 से ज्यादा ना हो, तो 40 के 40। अब आप कहोगे 70 में से 40 जाएगा, शेष कितना बचेगा, 30। 30 यहाँ आ गया। अब बताओ 40 यहाँ चलाएगा, तब तक करेंगे प्रक्रिया जब तक शेष पर 0 ना आ जाए, 40 यहाँ ना हो। 40 यहाँ आ जाएगा, 30 यहाँ आ जाएगा, तो 30 1 30 कितना शेष बचा, 10। अभी शेष पर क्या आया, 10, हमें लाना कितना है 0। अब 30 को आगे लाओ, 30 यहाँ आएगा, यहाँ कौन आएगा 10, 10 को 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे कितना होगा 30। तो जब पूरा पहाड़ा चला जाएगा शेष क्या बचेगा, 0। और जो भाजक के स्थान पर रहता है वही आपका आंसर होता है, यानी HCF जो आपका आया वो कितना आया, 10 आया। HCF कितना आया, 10 आया। ये आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें और आपको हम अभ्यास कराते हैं और क्वेश्चन कराते हैं, एकदम कंफर्म कर देते हैं, ठीक, ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ मैं संख्या बदल दे रहा हूँ, ठीक, अगली संख्या ले लेते हैं 18 45। 18 और 45 का HCF यूक्लिड विभाजन से कैसे निकलेगा, तो 18 और 45 का HCF यूक्लिड विभाजन से कैसे निकलेगा, इसके लिए आप ब्लैक बोर्ड पर देखिए। अब ध्यान दीजिए, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको a मानते हैं, a बराबर 45। जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको b मानते हैं, b बराबर कितना, 18। a बराबर 45, b बराबर 18। आगे चलते हैं, सूत्र हमारा कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। याद रहे शेषफल जब तक शून्य नहीं होता तब तक ये प्रक्रिया हम करते रहते हैं। रखो भाई, a का मान यहाँ रखा गया 45, b का मान रखा गया 18। अब आपको पता है क्यू का मान तभी मिलेगा कि 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 45 से सगर ना हो, तो 18 गुना कितना हो जाएगा, 36। अब बताओ 18 गुना 36, तो आपसे हम पूछे कि 45 में से 36 जाएगा, तो आपका जवाब होगा 7, बचना चाहिए कितना, 9। शेष कितना बचा, 9, लेकिन मुझे शेष फल क्या लाना है, 0। 18 यहाँ आएगा, 18 जब यहाँ आएगा तो 9 यहाँ आ जाएगा, 9 का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 18। जब इधर पूरा पहाड़ा चला जाए तो हमेशा शेष फल क्या आएगा, 0। यही आप 9 आपका क्या है, HCF है, और यही आपका 9 क्या है, आंसर है। हम आपको कई क्वेश्चन इस पे इसलिए करा रहे हैं कि आपका कंफर्म हो जाए क्वेश्चन कि HCF के द्वारा जब दो संख्याएं दिए हों तो यूक्लिड विभाजन से HCF कैसे निकालते हैं, और क्वेश्चन कराते हैं। घबराइए नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आप एकदम कंफर्म करते हुए ही चलेंगे, एक ही एक बिंदु उठाएंगे उस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन अब अगला आ गया 105, यहाँ अगला क्वेश्चन 4 नंबर 105 और संख्या ले लेते हैं 135। चलिए 105 और 135 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो सबसे बड़ी संख्या को क्या मानते हैं बच्चों, ए मानते हैं। चलो धीरे धीरे बताते हैं भाई, सबसे बड़ी संख्या को ए, ए बराबर कितना, 135। सबसे छोटी संख्या को बच्चों क्या मानते हैं, बी, बी कितना हो जाएगा, 105। अच्छा बच्चों, ए क्या है, भाज, बी क्या है, भाजक, हाँ भूलना नहीं, सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब एक बार सुन लो, ए क्या है, भाज, बी क्या है, भाजक, क्यू क्या है, भागफल, आर क्या है, शेषफल। यूक्लिड विभाजन का नियम यह कहता है कि यह प्रक्रिया तब तक करो जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। ए का मान रखेंगे 135, 135 हो जाएगा, बी का मान रखेंगे 105, क्यू का मान, अब पहाड़ा पढ़ेंगे 135 से ज्यादा ना हो, 105 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो बताओ 135 में से 105 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा ना, लेकिन शेष क्या आया,
30 आया, हमें लाना कितना है शून्य, तो अब 105 यहाँ चला आएगा, 105 यहाँ आएगा, 30 यहाँ आ जाएगा। कितनी बार पढ़े 105 से ज्यादा ना हो तो आप कहोगे पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 30 का कितना होगा 90, 105 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा, 30 यहाँ आएगा और 15 यहाँ आएगा, कितनी बार पढ़ा जाए 15 गुना 30, बताओ 30 कितना आया 0, जो आपका यहाँ 15 होता है यही क्या होता है एफसीआर, और यही आपका क्या होता है आंसर होता है बच्चों, ये आप क्या होता है आंसर होता है। आया समझ में? क्यों एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर आपको 2-3 होमवर्क भी देते हैं, करिएगा और कॉपी बनाए रहिए, जो आपको पढ़ाया जाए उसका नोट्स जरूर बनाते रहिए, जब स्कूल खुलेगा तो आपका नोट्स चेक होगा, इसलिए आप प्रतिदिन जो पढ़ाया जाए आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, चले ले लेते हैं 56 और 88, तो 56 और 88 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सबसे बड़ी संख्या क्या है 88, ए बराबर हो जाएगा 88, बी बराबर हो जाएगा कितना 56, सूत्र हमारा कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए क्या है भाग, बी क्या है भाजक, क्यू क्या है भागफल, आर क्या है शेषफल, रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 88, यहाँ रखेंगे 56। अब क्यों ये कहता है कि बताओ 56 पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 88 से सहगर ना हो, अब बताओ 56 पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा कितना 112 हो जाएगा, हमें जाना कहाँ तक है सिर्फ 88 तक, एक बार पढ़ो। अब ये बताओ 88 में से 56 जाएगा तो बचेगा कितना, तो 8 में से 6 जाएगा तो आपको होगा 2 बचेगा, और आप ये भी कहोगे 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1, यानी 32 हो जाएगा। अब ये 56 यहाँ आएगा और 32 आपका यहाँ चला आएगा, याद है शेषफल मुझे 0 लाना है। अब 32 गुना कितना होता है, तो आप लोग का जवाब होगा सर 64 होता है, लेकिन है का इतना है संख्या कितनी यहाँ पर 56 संख्या, एक बार पढ़ो तो 32 1 32 घटाते हैं, 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4 आएगा, 5 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है ना, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा तो 24 बचेगा, 32 यहाँ लाओ, जब 32 यहाँ जाएगा तो 24 यहाँ आएगा, कितनी बार पहाड़ पढ़े एक बार, 32 में से 24 जाएगा कितना आएगा 8 शेष आएगा, अब 24 यहाँ ले आएंगे और 8 आपका यहाँ आ जाएगा, कितनी बार पढ़े 24 से ज्यादा ना हो 3 बार पढ़ो, 8 से 24 के बराबर आ गया तो शेष क्या आया 0, जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तभी हमारा आंसर मिलता है, यहाँ पर आंसर हमारा होगा 8, यानी आप कह सकते हैं कि 56 और 88 का जो मासापा होता है वो कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 8, ठीक। अब हम आपको 2 क्वेश्चन दे देते हैं, वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपको यूक्लिड विभाजन से क्या निकालना, नहीं तो हम अगले दिन बताएंगे, लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF का मतलब मासापा HCF ज्ञात करना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना, आप ज्ञात करना है तो क्वेश्चन लिख लीजिए 1, 2, 3 और 4 और 5, 5 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप लगाइएगा, ठीक। चलिए 45 और 18 ये क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन ले लेते हैं 155 और 1385, ये हो जाएगा, और क्वेश्चन ले लेते हैं, सवाल में क्वेश्चन ले लेते हैं 272 और हो जाएगा आपका 1040, ये तीसरा प्रश्न हो गया। 2 प्रश्न और ले लेते हैं 506 और हो जाएगा संख्या ले लेते हैं 1155, ठीक। और एक क्वेश्चन और आपका ले लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है 657 और
657 और हो जाएगा 963। देखो बच्चों, 5 क्वेश्चन हमने आपको HW में दिया है होमवर्क में। अभी जो हमने नियम पढ़ाया वही है, ये हम बताएंगे अगले वीडियो में सारा क्वेश्चन। आप घबराना, लेकिन आपको अभ्यास पहले करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF, आपकी का पेपर उठाकर 2020 का देख लो, 2019 का देख लो, हमेशा एक क्वेश्चन आता है और आएगा। संख्या बदल के आती, कोई जरूरत नहीं यही संख्या में से मिल जाएगा। आप नियम समझे हो, जब दो संख्याएं दे हो तो सबसे बड़े को ए मानो, सबसे छोटे को बी। याद रहे, ये आपने लिख लिया होगा ना, स्क्रीन शॉट भी ले लिया होगा। एक बार हम आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं, नहीं आप घबरा जाओगे। ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो ए बराबर सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर, ए के स्थान पे सबसे बड़ी संख्या रखते हैं, सबसे बड़ी संख्या ए के स्थान पे और सबसे छोटी संख्या बी के स्थान पे। ठीक, अब नहीं समझ रहे हो तो एक उदाहरण से बता ही देते हैं, एकदम धीरे धीरे बता दे रहे हैं सबसे लास्ट में कि आप भूलिए नहीं। जैसे है क्वेश्चन है 968 है और है 231। अब बताओ बच्चों, 231 और 968 से हमको निकालना है HCF। तो हमने सबसे पहले आपको नियम बताया, जो सबसे बड़ा हो ए मानो, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 968। ए का मतलब है भाज, भाज का मतलब होता है जिसके द्वारा संख्या कट जाए वो भाज्य है, और जिसके द्वारा काटा जाए उस संख्या को भाजक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा 231। ये a हो गया, ये b हो गया। a भी हमेशा ढूंढोगे ना, जो सबसे बड़ा वो a, जो सबसे छोट b। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है a बराबर b q प्लस r। बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, a के स्थान पे रख दो तो a के स्थान पे 968 बराबर b के स्थान पे कितना हो जाएगा बच्चों 231। अब देखो QOR कैसे निकलता है, याद रहे 231 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 968 से ज्यादा ना हो। याद रहे 931 का पहाड़ा जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं वही तो यहाँ लिखते हैं, और पढ़ने के बाद जो पहाड़े में आता घटा देते हैं और जो शेष बचे वही R होता है। अब 931 का पहाड़ा पढ़ो कि 968 से ज्यादा ना हो, तो हम लोग पहाड़ा पढ़ के देखते हैं लगभग 7 बार। देखते हैं, पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, 231 पूरे 8 बार पढ़ो, तो 8 के कितना आ जाएगा 8, 8 त्रिक कितना होगा 8 त्रिक 24, आखिर कितना बचेगा 2, 2 बचेगा ना, 8 त्रिक 16, 16 तो कितना हो जाएगा 18, यानी बहुत ज्यादा होगा। हमें सिर्फ 968 तक जाना है, यानी 3-4 बार पढ़ो, 231 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार, तो 4 के 4 हो जाएगा, 4 के कितना हो जाएगा 12, फिर 8, 4, 8, 9, यानी 924। उम्मीद करते हैं 4 ही बार जाएगा ना, 4 1 4, 4 3 12, 2 8, 4 9। तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ा 4, कितना आया 924। अब बताओ 968 में से 924 घटा देते हैं, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। यानी कहने का मतलब 231 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 924 आएगा, और 968 में से 924 घट जाएगा तो 44 बचेगा। मुझे तब तक प्रक्रिया करना जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। 231 को इधर लाओ, 231 इधर आएगा, 44 यहाँ आ जाएगा। अब बताओ 44 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 231 से ज्यादा ना हो, ये भी पढ़ते हैं 5 बार पढ़ देते हैं, तो 44 × 5, 5 × 20 की सुन हासिल 2, 5 × 20 तो हो जाएगा 22। ठीक, उम्मीद करते हैं इससे ज्यादा होगा नहीं, 5 बार पढ़ते हैं तो बताओ कितना आया 220 आया, यहाँ 231 है तो 231 में से 220 जाएगा, कितना बचेगा 11 बचेगा ना। अब बताओ 44 यहाँ आ जाए, 44 जब यहाँ आएगा तो 11 यहाँ, कितनी बार पढ़े 44 से ज्यादा ना हो, 11 × 44। जब पूरा पहाड़ा चला जाए तब शेषफल यहाँ क्या आता है 0, और जैसे ही शेषफल 0 आ जाए वही आपका भाजक ही क्या कहलाएगा आंसर, यानी HCF कितना है 11। तो देखो हमने आपको 4-5 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, हमने आपको लास्ट में क्वेश्चन फिर से समझा दिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना, हर साल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ रहा है, और आज की क्लास अगर आपने वीडियो देख लिया है, आज की कल भी बता देंगे तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो ये दो संख्याएं थी, दो संख्याओं के द्वारा आपको इससे निकाला गया आंसर कितना है 11। आपको करना क्या है,
जो पढ़ाया जाए उसकी कापी बना लीजिए, वो आपको जब स्कूल खुलेगा तो आपको सारा नोट्स दिखाना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी नहीं है, आपको पढ़ना है, स्कूल तरफ से आपको दबाव नहीं दिया जा रहा। आप बैठ कर घर पर एक दो घंटा आप वीडियो देख कर और उसके बढ़िया कापी बना लीजिए, जो सवाल बताया जाए करिए, होमवर्क में जो दिया जाए उसका अभ्यास करिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा MDI स्कूल मिल्की पूरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने नहीं किया है, जिसने सब्सक्राइब किया है, लोगों को बताएं, इससे जुड़ें। जो प्यारी जो बच्चे हैं उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और तन मन से आप पढ़िए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।